अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर में देखना स्टार्ट करना है काइस केयर, यानी कि टेस्टिंग करनी है काइस केयर की। काइस केयर में टेस्टिंग जो हम करते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंस जो है उसके लिए हम कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप चेक करें कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है या वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब हमने जब जो रिग्रेशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कोरिलेशन मेजर की थी दो वेरिएबल्स के दरमियान में। अब यहाँ पे जो है वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की कैटेगरीज आ गई, ज़्यादा कैटेगरीज आ गई, तो इस तरह से हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंस चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमें कंटीजेंसी टेबल के फॉर्म में डाटा गिवन होता है, उसमें तो हमें एक्स और वाई के फॉर्म में दो कॉलम्स की फॉर्म में डाटा गिवन होता था, दो वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो है वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास, कैटेगरीज ज़्यादा हो गई हैं, तो अब हम काइस केयर के थ्रू टेस्टिंग करेंगे इसकी। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा की टेस्टिंग भी इसको इतना से कहा जाता है, इंडिपेंडेंस और वेरिएबल्स भी कहते हैं। अ वेरिएबल डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रोज और टू और मोर कॉलम्स इन टू विच एन ऑब्जर्वेशन आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया इज कॉमनली कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल। अब देखें यहाँ पे इसके पास जो है कॉलम्स की भी कैटेगरीज आ गई हैं, रोज की भी कैटेगरीज आ गई हैं डिफरेंट, जिससे इसको हम कंटीजेंसी टेबल इसका नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इसका डिफरेंट ऑर्डर हो सकता है, ये टू बाई टू का भी हो सकता है, टू बाई थ्री का, थ्री बाई टू का, डिफरेंट आपको क्वेश्चन में आप देखेंगे गिवन होगा। तो कंटीजेंसी टेबल की डेफिनेशन कर लेनी है। द कंटीजेंसी टेबल मे बी एक्सटेंडेड टू अ हायर डायमेंशन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी टेबल इज टू बाई टू विच इज ऑब्टेन बोथ क्राइटेरिया ऑफ डाइकोटोमी। अब आपके पास अगर दो जो है रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, इस तरह का डाटा है, ये चार आपके पास जो है बेसिकली ये वैल्यूज आ जाएंगे, तो इसको टू बाई टू कहेंगे। अगर ये वैल्यूज एक्सटेंड करती जाएंगी तो आपके जो है वेरिएबल का जो डायमेंशन इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और रो इंटू कॉलम हम इसको बेसिकली इसका जो है ऑर्डर देखना होता है हमने, रो इंटू कॉलम, जितनी रो में है वैल्यूज और कॉलम्स में वैल्यू, उनको आपस में इस तरह से कह देते हैं किसका ये ऑर्डर है। अब ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटीजेंसी टेबल। बेसिकली हमारा जो है काइस केयर में हम इंडिपेंडेंस चेक करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, तो इसके लिए हम काइस केयर यूज़ करते हैं। द डाटा प्रेजेंटेड इन अ कंटीजेंसी टेबल कैन बी यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। हमने देखने की जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अगर इफ दिस हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्लासिफिकेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके दरमियान में कोई एसोसिएशन होगी, इंट्रैक्शन होगी या कोई रिलेशनशिप होगा, हमने वो मेजर करना होगा। इसके लिए एक सिंप्लीफाई में हम हाइपोथेसिस को आपको पता है सिक्स स्टेप्स में लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया था। अब इसमें एच नोट इस तरह से लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, या फिर कह सकते हैं टू वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड और नॉट एसोसिएटेड। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो नॉट एसोसिएटेड है या नॉट रिलेटेड है या नॉट इंट्रैक्शन, उनके दरमियान में इंट्रैक्शन नहीं है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो एक दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दूसरे, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स मीन कि वो उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है, वो एसोसिएटेड है, वो रिलेटेड है, उनके दरमियान में इंट्रैक्शन है। हम अपने एच नोट और एच वन को इस तरह से बना सकते हैं। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने सिक्स स्टेप्स करने होंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इस तरह से अपने जो हाइपोथेसिस लिखना होगा इन जनरल फॉर्म में। फर्दर मैं आपको बता दूं कि सिक्स स्टेप्स किस तरह से लिखने होंगे। देखिए, ये टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट हमारा एच नोट में आ जाएगा, हमेशा इस तरह से आना और इंडिपेंडेंट, या आप उसको कह सकते हैं नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट में आ गया। सेकेंड में आ जाएगा टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, या आप इसको कह सकते हैं कि दे आर एसोसिएटेड। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने काइस केयर लगाना है जब भी वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस चेक करनी होगी या रिलेशनशिप चेक करना होगा। फिर उसके बाद काइस केयर से जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। क्रिटिकल रीजन में इस तरह से पी वैल्यू लेस देन अल्फा तो हम रिजेक्ट एच नोट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था क्रिटिकल रीजन पी वैल्यू एस्पेसिस से ऑब्टेन होती है, उसकी बेस पर करते हैं। अगर रिजेक्ट ये वैल्यू छोटी आ रही है तो हम रिजेक्ट एच नोट कर देंगे और कंक्लूड कर देंगे दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट और दे आर रिलेटेड। ठीक है, ये सारे स्टेप्स इसके हो गए, सिक्स स्टेप्स इस तरह से आपने करने होंगे क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको एस्पेसिस में एंटर करते हैं। बाय हैंड जिन्होंने करना होगा उन्होंने ये सारे फार्मूलाज बाय हैंड करने के लिए करना होगा, लेकिन आपने एस्पेसिस पे करना है तो आपने जस्ट सिंपल जो है क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल 17.17 492 कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक पोस्ट गेव पार्टिकल्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड देयर हॉबीज। द डिग्री वर इन द आइदर मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड द हॉबीज कुड बी क्लासिफाइड रफली एज म्यूजिक क्राफ्ट वर्क रीडिंग एंड ड्रामा। द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द कंसाइलिंग द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कॉलम कितने हैं,
तीन कॉलम है आपके पास और रोज कितनी है, फोर, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/3। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से डाटा गिवन है। नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन पे बताया, डिस्कस द एसोसिएशन। आपने एसोसिएशन चेक करनी है या इंडिपेंडेंस चेक करनी हो या रिलेशनशिप चेक करना हो, तो आपने का स्केल लगाना होता है बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, डिग्रीज एंड हॉबीज। ठीक है, डिग्री और हॉबी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो उनके जो है डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है, तो आपने इनकी इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन चेक करनी है। सबसे पहले तो आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेना फर्स्ट स्टेप में। टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, सेकंड में टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। फर्स्ट स्टेप में एज नोट और एज वन आ जाएगा, सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड में आपने लिख देना कि काइस केयर के थ्रू आप करेंगे इसकी टेस्टिंग। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से करना है, या बाकी आपने मैनुअल कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसपीएसएस की तरफ। सबसे पहले डाटा एंटर करना मैं बता दूँ किस तरह से डाटा एंटर करना, फिर आते हैं एसपीएसएस। अब ये देखें आपके पास रोज 4 हैं और कॉलम 3 हैं, तो आपने रो को नंबरिंग कर लेनी है 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली इनको भी नंबरिंग कर लेनी है 1, 2, 3। अब आपने सबसे पहले जो है एसपीएसएस में जब एंटर करना है, एक आप कॉलम बना लेंगे रो का, एक कॉलम बना लेंगे आप कॉलम का वेरिएबल, सॉरी एक आप वेरिएबल एंटर कर लेंगे डाटा। तीन आपके जो है वेरिएबल एसपीएसएस में आप एंटर कर लेंगे, रो कॉलम एंड डाटा। अब रो में आपने सबसे पहले लिखना है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिख देंगे, उसके सामने आपका कॉलम क्या है 1, 1 चल रहा है, 1, 1, 1 यहाँ पे 1, 1 4 टाइम आ जाएगा, और डाटा की वैल्यू 24, 11, 32, 10 ये एंटर कर लेंगे। सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे तो आप फिर रो में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, कॉलम में आ जाएगा 2, 2, 2 और डाटा में आ जाएगा 83, 62, 121, 126। इस तरह से आप थर्ड में भी एंटर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे आपका ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस आप यहाँ पे का स्केल लिख दें तो काफ़ी है। अब सबसे पहले एसपीएसएस में आपने तीन वेरिएबल रो कॉलम एंड डाटा के जो एंटर किए, मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, उसके बाद सामने उसके 1, 1 आ जाएगा कि कॉलम 1 चल रहा है लेकिन रो 1, 2, 3, 4 थी और डाटा उसके सामने वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट में फिर आपका जो है 1, 2, 3, 4 और 2, 2, 2 आ जाएगा उसके सामने डाटा की वैल्यू, फिर 1, 2, 3 3 कॉलम और उसके सामने डाटा। ठीक है, एज इट इज आपने पूरा पूरा इस तरह से ये कॉलम एंटर करते जाना। ये सारा जब एस पी एस एस पे आप एंटर कर लेंगे, ठीक है, ये आपने रो का डाटा एंटर कर लिया, कॉलम का सारा डाटा एंटर करने के बाद अब हमारा जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे कमांड आपको दिखा दूँ बाद में फिर हम आते, वेट केसेस बाय आपने डाटा करना है इसमें। ठीक है, वेट केसेस बाय डाटा करने के बाद एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रो स्टेप्स, रो में आपने रो को मूव किया, कॉलम में कॉलम को, स्टैटिस्टिक में काइस के आपने हाईलाइट किया, ओके कर दिया। सबसे पहले आप डाटा पे गए, यहाँ से वेट केसेस, नेक्स्ट आपने वेट केसेस बाय डाटा पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये वेट केसेस बाय हो गया, यानी कि अब इस कॉलम को आपने यूज़ नहीं करना, ये वेट केसेस में चला गया। नेक्स्ट एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव पे, सॉरी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस स्टेप्स पे, क्रॉस स्टेप्स पे रो में रो को मूव किया, कॉलम में कॉलम को मूव किया, स्टैटिस्टिक में जाके आपने काई स्केल को हाईलाइट कर दिया, आपने काई स्केल निकालना है, कंटीजेंसी कोफिशिएंट, जो जो चीज़ें आपको अगर चाहिए होंगी आपने उसके मुताबिक अपना जो है हाईलाइट करने के बाद कंटिन्यू एंड ओके। अब आपके पास ये देखें, ये आगे है केस प्रोसेसिंग समरी रो कॉलम। अब देखें आप ये इस चीज़ को देखें और अपने डाटा को देखें कि ये आपने डाटा सही एंटर किया था या नहीं, आपको क्वेश्चन में जिस तरह से डाटा था उस तरह से नज़र आएगा। ये देखें 24, 11, 32, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये। अब अपने डाटा से कंपेयर करें कि आपकी वैल्यूज ऐसी हैं तो इसका मतलब है आपने डाटा सही एंटर किया है, तो आपका रिजल्ट भी सही होगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से तीन कॉलम और इसके बाद टोटल, ये कंपेयर करने के बाद आपने वैल्यू तो बेसिकली ये वाली लेनी है पियर्सन का स्केयर 54.11, ये और उसके सामने जो है पी वैल्यू 0.00, इन दोनों के बेस पे आपका कंक्लूजन और सारा बेसिकली ये का स्केयर की वैल्यू आ गई और ये पी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली पी वैल्यू लेनी है और ये का स्केयर की वैल्यू,
स्क्वायर की वैल्यू और ये पी वैल्यू, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू और ये पी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। बुक में देखें ये ये आपके पास का स्केल की वैल्यू है 54 पॉइंट, जो करीब करीब ही आ रही है, का स्केल की वैल्यू आ गई। और उसके बाद हम अपने जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमें क्या करना है इसको। ये देखें 54.11 आपकी वैल्यू आ गई का स्केल की। पी वैल्यू लेस देन अल्फा आपने क्रिटिकल रीजन में करना होगा। पी वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी, अल्फा की वैल्यू 0.05 क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ठीक है, कि नहीं तो आपने 5% लेनी है। अब इसको देखें ये पी, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है या नहीं है। तो ये वैल्यू इससे छोटी है, ये 0 है और ये 0.05। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट एच वन। रिजेक्ट एच नोट का मतलब है कि हमने रिजेक्ट एच नोट में जो था कि टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट नहीं है वो, नॉट इंडिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या कोई एसोसिएशन है। कंक्लूजन आपका ये होगा, एस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा सो वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट एच वन एंड कंक्लूड दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है दे आर एसोसिएटेड। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके पास एग्जांपल है 17.19, अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 मेन एंड 250 वुमेन वर पोल्ड टू ऐड देयर डिजायर कंसर्निंग ओनरशिप ऑफ टेलीविजन, द फॉलोइंग डेटा आर रिजल्टेड। अब बॉन्ड टेलीविजन और डोंट बॉन्ड टेलीविजन, ये आपके पास दो हैं रोज हैं आपके पास और दो ही कॉलम है, 2x2 का ये टेबल है और बाकी ये सारा डेटा है। अब आपने एसपीएसएस में डेटा एंटर करना है तो आपने तीन वेरिएबल बना लेने हैं उसी तरह से, रो कॉलम और डेटा। ठीक है, और इसका एच नोट आ जाएगा, टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। आप इन जनरल लिख सकते हो तो इन जनरल लिख दो, अगर नेम लिखना चाहते हो तो वो लिख दें, टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमेशा इसके जो है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसी तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में ही बनेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, थर्ड में आपने काइस के लिख लेना, फोर्थ में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी एंटर मैंने ऑलरेडी कर लिया स्पेसिस में। ये देखें रोज के लिए आपने रो का डेटा एंटर कर लिया, इसके सामने कॉलम और नेक्स्ट वैल्यूज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वही डाटा वेट केसेस बाय डाटा। वेट केसेस बाय डाटा करने के बाद हमारा सेकंड कमांड है एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स, रो को रो में मूव किया, कॉलम को कॉलम में, स्टैटिस्टिक में का स्केल को हाईलाइट किया, कंटिन्यू एंड ओके। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अपना जो आपने डाटा एंटर किए इससे कंपेयर करके कि रोज कॉलम में ऐसी डाटा आपके पास क्वेश्चन में है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आई है 13.33 और पी वैल्यू है इसकी 0.00। इसका कंक्लूजन भी हमारा इसी तरह से बनेगा, पी वैल्यू लेस देन अल्फा तो इसमें भी रिजेक्ट होगा हाइपोथेसिस। देखिए 13.33 ये आपकी वैल्यू आई है काइस के, और यहाँ पे भी ये अगर मैनुअल करते हैं तो उसके मुताबिक रिजेक्ट हो रहा है और एसपीएसएस के थ्रू भी रिजेक्ट हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको मार्क बता दूँ। आपने ये क्वेश्चन 17.20 17.41 का बी पार्ट, 17.42 का ए पार्ट, नेक्स्ट ये वाला बी पार्ट 42 का, 43 करना है, 44 करना है, 46 और 8
7 भी। फोर नाइन और 5 0, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी। अब ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं सेम कमांड से, दो इसमें आपने करना, पहले वेट केसेस पर डाटा करना है, सेकंड पे आपने जो है एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रो स्टेप्स, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में, स्टैटिस्टिक पे आपने हाईलाइट किया का स्केप को, आपका क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले तो आपने नंबरिंग करनी होती है, याद रखना है आपने रोज को नंबरिंग कर ली, कॉलम्स को नंबरिंग कर ली, और उसके बाद आप डाटा एंटर करते गए रो कॉलम डाटा, और ये एज इट इज पूरी रो एंटर करनी है, तो इसके सामने कॉलम में 1 1 आ जाएगा, रो में 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और कॉलम में 2 2 2, फिर इसके बाद रो में 1 2 3, कॉलम में 3 3 3, और उसके सामने ये डाटा आ जाएगा। ऐसे आपके सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।